आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि कैसे मुझे 3 घंटे से भी कम का लेबर पेन था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी कितनी आसानी से हो गई और मैंने उसके लिए किन किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखा था। आइए आज मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसलिए आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर ध्यान से देखें। सबसे पहले गर्भावस्था के 9वां महीना लगते ही हमारी दादी नानी गरम तासीर वाली चीज़ें खाने को कहती है, जैसे लहसुन प्याज वाली चीज़ें, क्योंकि यह नेचुरली हमारी बॉडी की हीट को बढ़ाती है, जो बच्चे को नीचे लाने में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके शरीर को तैयार करने में मदद करती है, तो आप भी इसका ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खजूर का खाना, क्योंकि खजूर में नेचुरली ऑक्सीटोसिन होता है, जो डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। पर इसमें ध्यान रखें कि अगर गर्मी का मौसम है तो मैक्सिमम 3 से 4 ही एक दिन में खाएं, वहीं सर्दी है तो आप एक दिन में 8 से 10 भी इसे खा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दूध में 1 चम्मच घी को मिक्स करके पीना, इससे आपकी बॉडी की चिकनाई बहुत बढ़ जाती है और कहते हैं कि बच्चा आसानी से फिसल कर बाहर आ जाता है, जो मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है हल्दी या केसर को मिलाकर दूध पीना, यह दोनों ही बॉडी में हीट को बढ़ाते हैं और भी इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो किसी भी चीज़ की अति ना करें। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि एक दिन केसर लें और दूसरे दिन हल्दी, पर दोनों का सेवन एक साथ ना करें। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह होती है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का होना, और इसके लिए वॉक को सबसे इम्पॉर्टेंट बताते हैं। मैं अपने 9वें महीने में रोज़ 30 से 40 मिनट वॉक ज़रूर करती थी। अगर आप यह वीडियो गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में देख रही हैं और अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई स्पेशल रेस्ट की सलाह भी ना दी है, तो आप तभी से वॉक स्टार्ट कर दें। हमें आखिरी महीने का वेट नहीं करना है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जैसे 15 से 20 मिनट में तब किया करती थी। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है वह है 9वें महीने में ज़रूरी एक्सरसाइज करना, जैसे हर मंथ की, हर ट्राइमेस्टर की कुछ अलग अलग एक्सरसाइज होती है, वैसे ही 9वें महीने में डक वॉक करना, स्क्वेटिंग करना, सूमो स्क्वेटिंग करना, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना, यह सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं आपको सलाह करूँगी कि यह सब आप किसी के गाइडेंस में ही करें। मैंने इसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट की क्लास ली थी। आज हम उन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ अपने स्टूडेंट्स को क्लास दिलवाते हैं, जिसके सभी को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से ना भी लें तो भी किसी न किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करें। यहाँ मैं एक और चीज़ सभी को कहना चाहती हूँ कि कई बार गर्भवती को लगता है कि हम एक्सरसाइज के लिए पैसे वेस्ट क्यों करें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अनडाउटेबली एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और इससे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो सोचिए आप एक साथ 10 गुना पैसा बचा लेगी और अपने आप को और अपने बच्चे की बॉडी को जीवन भर के लिए बहुत सारी परेशानियों से बचाकर अमूल्य तोहफा दे देगी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टिप होती है वह होता है आपका अच्छा स्टैमिना बनाए रखना। देखिए आज भी कई डॉक्टर मुझे बताते हैं कि ज़्यादातर सी सेक्शन हम माँ या उनके परिवार की रिक्वेस्ट पर ही करते हैं, इसलिए अंतिम समय में आपको दर्द को सहने की हिम्मत रखने की, आपको रिलैक्सिंग पोजेस सीखने की, आपको ब्रीदिंग टेक्निक सीखने की, कैसे बच्चे को पुश करना है वह सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह सब भी हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, पर आप कहीं बाहर से भी सीखें, पर यह सब चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। 8वीं इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना एक लेबर अफर्मेशन तैयार करना, जैसे उस यात्रा को आप पूरे 9 महीने रोज जी रहे हैं, आपको पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपको अब ऐसे ऐसे हिम्मत रखकर आगे बढ़ना है। यह अफर्मेशन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया है, जो उन्हें बहुत मदद करता है, तो आप भी ऐसा कोई अफर्मेशन अपने लिए ज़रूर बनाएं। 9वीं ज़रूरी बात होती है लेबर के समय आपका स्ट्रेस में ना रहना। देखिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी से एंड्रोफिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से शरीर की ग्रंथियां और अधिक कड़क हो जाती है और बच्चा जल्दी से नीचे नहीं आ पाता,
इसलिए उस समय आपका शरीर का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस समय आप पूरे टाइम अपने बच्चे से संवाद करना सीखें, भगवान से जुड़े रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें कि यह एकदम नेचुरल प्रोसेस है और मैं उसको बहुत आसानी से कर लूँगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना उस समय बहुत ज़रूरी होता है, तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अंतिम जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है वह है भगवान पर विश्वास रखना। मुझे याद आता है मुझे बहुत पेन हो रहा था, लग रहा था मैं ये कैसे सह पाऊँगी, और डॉक्टर ने कहा कि अभी सर्विक्स सिर्फ 2 इंचेस ओपन है, मिनिमम शाम तो हो ही जाएगी। तब मैं मंत्र सुन रही थी और निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। देखा तो विद इन हाफ एन आवर डॉक्टर सेड कि आपका सर्विस तो पूरी तरह खुल चुका है और मुझे डिलीवरी के लिए ले जाया गया। मेरी डिलीवरी सचमुच एक सुख प्रसव बन गई, मुझे पता भी नहीं चला और मेरे हाथ में मेरा बच्चा आ गया। सचमुच डिलीवरी एक डिवाइन मोमेंट होता है, और आप भी इन सभी चीज़ों को फॉलो करके अपनी डिलीवरी को बहुत आसान बना सकती है। आशा करती हूँ यह सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। और भी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।